हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और एक बार फिर से एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं आप सभी के सामने। तो आज जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है कंगना रनौत को लेकर के। देखिए, इंदिरा गांधी बनकर के कंगना रनौत जो है एक बार फिर से पर्दे पर वापस आ चुकी हैं और अपने अलग अंदाज में काफ़ी ज़्यादा फैंस का दिल जीतते नज़र आ रही हैं। तो देखिए, कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म एमरजेंसी का फर्स्ट लुक भी वायरल हुआ जिसमें उन्हें खूब ज़्यादा फैंस द्वारा पसंद किया जा रहा है। कंगना ऑन फायर जैसे पोस्ट भी शेयर किए जा रहे हैं। वही देखिए, इस फिल्म में वे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रोल में नजर आएंगी और इंदिरा गांधी के किरदार में कंगना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नज़र आ रहे हैं। इस लुक को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि कंगना इंदिरा गांधी के रूप में धमाल मचाने के लिए आ रही हैं। कंगना ने इंदिरा गांधी का जो रूप धरा है वह काबिले तारीफ है। और खैर, देखिए, कंगना बॉलीवुड की इकलौती ऐसी कलाकार नहीं है जिन्होंने अपने किरदार में घुसने के लिए खुद को पूरी तरह से उसी में ढाल लिया हो या फिर बदल लिया हो। तो इस पर भी एक एक करके नज़र डालेंगे कि आखिर और वो कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने किरदार का रूप धारण करने के लिए डिट्टो उस तरह से बनने के लिए अपने आप पे बहुत मेहनत की है और अपने आप को ढालते नजर आए। तो देखिए, सरबजीत आपको याद ही होगा, जो सरबजीत के रोल में याद आए दिखे थे रणबीर हुड्डा। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत की कहानी पर बनी फिल्म सरबजीत में रणदीप हुड्डा ने लुक अपनाया और उस लुक से सभी को हैरान कर दिया था। उन्होंने इसके लिए अपना वजन भी काफ़ी कम कर लिया था। फिल्म से जब रणदीप का ये लुक सामने आया था तो लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए थे, वो इस लुक में इतना अपने आप को ढालते नजर आए थे। वहीं देखिए, और किरदार भी हैं सामने। अब किरदार की बात की जाए, लुक्स की बात की जाए, अमिताभ बच्चन को भूल जाया जाए ऐसा हो नहीं सकता। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक ऐसे बच्चे के रोल में दिखे थे, याद होगा आपको फिल्म, जो एक बीमारी से ग्रसित होता है और बचपन में ही बुजुर्ग की तरह दिखने लगता है। हालाँकि जब इस फिल्म का लुक सामने आया तो किसी को पता ही नहीं चला कि उस रोल में, उस बच्चे के रोल में अमिताभ बच्चन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पा मूवी की जिसमें अमिताभ बच्चन को देखा गया था, देखिए बच्चे के रूप में। वही अब बात की जाए भूमि पेडनेकर की, जो कि संध्या के रूप में नजर आई। भूमि पेडनेकर ने फिल्म दम लगा के हैशा में वो रोल अपनाया जिसमें अपना वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते नजर आए। वहीं नम्बी नारायण के किरदार में आर माधवन, उनको भी बिल्कुल भूला नहीं जा सकता। और ये वो कैरेक्टर हैं जो अपने आप को ढालते नजर आए थे। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो ज़रूर शेयर करें। इनका पर चैनल को सब्सक्राइब करें।